आशाओं का कहना है कि उनके बहुत सारे काम में उनको मदद मिल रही है। उसने उनको बताया कि सरकार के साथ अगर समुदाय भी जुड़ेगा, एक साथ चलेंगे, तो हमारा जो भी योजना वाला काम है तो अच्छे से होगा। पीएलए इंटरवेंशन क्या चेंज लेकर आएगा, तो वो मोटिवेट होकर अपना काम कर भी रही हैं, लेकिन कुछ आशाओं को मोटिवेशन देना होता है, हमें उसे समझाना होता है कि पीएलए उनके लिए क्या मदद कर सकता है। तो अगर हम पीएलए के माध्यम से मास अवेयरनेस लाते हैं तो उससे हमको अच्छा खासा फायदा होगा, गवर्नमेंट को और समुदाय को और महिला को भी। उदयपुर राजस्थान के दक्षिणी भाग में एक बड़ा जिला है। इस क्षेत्र की सामुदायिक भागीदारी काफी कमजोर है, जिसका कारण यहाँ प्रचलित जाति प्रथा और सामाजिक भेदभाव, आदिवासियों के साथ भेदभाव, महिलाओं को सीमित अधिकार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में लिंग आधारित भेदभाव और स्थानीय स्वशासन प्रक्रियाओं से गरीबों की दूरी है। पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन या पीएलए उदयपुर जिले में इस सामाजिक विभाजन को समाप्त कर समुदाय को अपनी समस्याओं से लड़ने में मदद करता है। तो पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन जो है वो एक तरीका है जिसके माध्यम से हम गांव में बैठकों को करते हैं। इसमें कहानी, पिक्चर कार्ड, नुक्कड़ नाटक होते हैं। तो इसके माध्यम से गांव में एक सिस्टमेटिक बैठक होती है जिसमें स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी हुई जो भी गांव में समस्याएं हैं उसकी पहचान गांव के लोग मिलके करते हैं। तो यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव कम वजन के बच्चों की संख्या में कमी लाना, साथ में माता और बच्चों के स्वास्थ्य में और पोषण में सुधार लाने का है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने पीएलए मीटिंग की साइकिल बनाई है जिसमें हम लोगों ने पोषण संबंधित, स्वच्छता, फैमिली प्लानिंग, अर्ली प्रेगनेंसी को कम करना, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बैठकों को बनाया गया है। राजस्थान में पीएलए का उद्देश्य कम वजन के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को कम करना और बच्चों के बीच दुबलेपन की व्यापकता को कम करना है। समुदाय को भागीदारी के माध्यम से ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए, संवादों का आदान प्रदान करने और उनसे सीखने के लिए इस हस्तक्षेप को डिजाइन किया गया था। समस्याओं के निदान हेतु ठोस कार्रवाई के लिए पीएलए बैठकों की एक श्रृंखला में सदस्यों को चर्चा करने, सीखने और निर्णयों में भागीदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मिलिए आशा दीदी पावंती बिश्नोई से, जो पीएलए का हिस्सा रही हैं और पिछले 16 वर्षों से उदयपुर के टिकली गांव से जुड़ी हुई हैं। वह गांव की एक घरेलू महिला है जो सदैव सभी की मदद के लिए तैयार रहती है। उनका दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्र का विकास समुदाय के विकास में निहित है और इसलिए स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम में सुधारों को जमीनी स्तर पर लाने की दिशा में वो काम कर रही हैं। केंद्रीय विद्यालय बड़गांव में हमारे फर्स्ट ट्रेनिंग हुई थी पीएलए की। हमें ये अच्छा लगा कि खेल के माध्यम से लोगों को समझाना है, ये कुपोषण चक्र कहीं पे भी तोड़ा जा सकता है उसके बारे में बताया। तो उसमें ये नई बात ये सीखने को मिली कि प्रथम 1000 दिन होते हैं तो उसमें शारीरिक और मानसिक विकास होता है, उसी समय अगर सही विकास नहीं हुआ तो आगे जाके कुपोषण शिकार हो सकते हैं। वो गर्भवती महिला है, जैसे धात्री महिला है, नवविवाहित है, किशोरी बालिका है, बुजुर्ग महिला है, उन सभी को इस बैठक में सम्मिलित करते हैं। जब तक समुदाय में अवेयरनेस नहीं आती तब तक किसी भी स्कीम को लागू करना उसका रिजल्ट लाने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम पीएलए के माध्यम से मास अवेयरनेस लाते हैं तो उससे हमको अच्छा खासा फायदा होगा, गवर्नमेंट को और समुदाय को और महिला को भी। अवेयरनेस में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है तो मैं समझता हूँ दूसरे जिलों में अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसका रेप्लिकेशन होता है तो नो डाउट फायदा ही होगा। मेरा नाम शारदा है और मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है, तो मेरे घर पे सब बोलते थे दही नहीं खाना, भिंडी की सब्ज़ी, अरवी की सब्ज़ी नहीं खाना। तो मैं बैठक में आई तो मेरे को सब जानकारी मिली कि ये खाना चाहिए और टीका हर महीने लगाते, डेढ़ डेढ़ महीने में लगता है 3 टीके। हमारा डिपार्टमेंट के साथ एंगेजमेंट होता है, हम सेक्टर मीटिंग्स में जाकर आशाओं से डिस्कस कर रहे होते हैं और वहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं ऑफिशियल्स भी हमें हेल्प कर रहे होते हैं जो कुछ इशूज़ आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। इस ट्रेनिंग से आशाएं मोटिवेट हुई, आश्वस्त हुई, वो सीखी कि उन्हें गांव में क्या करना है और आशाओं ने गांव में मीटिंग्स करना स्टार्ट किया जो अभी तक कंटिन्यू है। पीएलए हस्तक्षेप के कारण समुदाय की बैठकों में
महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। समुदाय के सदस्य पोषण के मुद्दों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए हैं और कुछ मामलों में समुदाय महिलाओं के समर्थन में आ रहे हैं। आशा कार्यकर्ता अब अधिक विश्वास के साथ पोषण परामर्श दे रही हैं और पतियों और सास के पीएलए में भागीदारी ने परिवारों के भीतर एक सहयोगी वातावरण बनाया है।